सूर्या और इस टाइम जो है आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा चार दुकान का, तो अब हम जो है जा रहे हैं सिस्टर्स बाजार वाली साइड। सिस्टर्स बाजार की बात करें तो जो सिस्टर्स बाजार है, जो आप नाम देख रहे हैं सिस्टर्स, मतलब जब कैंटोनमेंट था यहाँ पे तो यहाँ हॉस्पिटल था, जो नर्स जो थी वहाँ पे होती थी, तो वहीं से जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो नर्स सिस्टर्स जो थी वहाँ पे थी, तो वहीं से जो नाम आया है सिस्टर्स बाजार। सिस्टर्स बाजार के आसपास हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम एक मतलब थोड़ा सा यू नो गेड़ी मार के आए, तो थोड़ा सा रूट लेके हम देखते हैं कि आगे क्या है, सिस्टर्स बाजार कैसा है, क्या है वहाँ पे। और मैंने दो तीन शॉप्स देखी हैं वहाँ पे जो कि बहुत पुरानी है, तो आप देख सकते हैं, तो आप मेरे बैक साइड देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेवयार्ड है, जो कि बहुत ज़्यादा दिखने में बिल्कुल एकदम हॉरर हॉन्टेड मूवी वाला जो मुझे वो फील दे रहा है, और साथ में ही सुनसान रोड है। मैं सोच रही थी अगर यहाँ पे रात को कोई आ जाए तो मतलब मैं तो कभी नहीं आना चाहूँगी। तो ओ गॉड, यहाँ पे डॉगी भी है। हेलो, अरे वाह, में डॉगी पहने जा रहे हैं और देखने में बिल्कुल इसकी तो चोटियां भी है। हेलो डॉगी, देखो मुझे काटना होती है, मैं ठीक हूँ, आई एम अ फ्रेंड, आई एम अ फ्रेंड। बहुत स्वीट है यार ये तो। डॉगी मिल गया सुनसान एकदम निकलते हुए बीच में से, आपने देखा कैसे आया वो। ए हेलो हेलो, सो बस निकलते हैं आगे वाली साइड और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, एक्सप्लोर करते हैं यहाँ के लैंड ओवर की स्ट्रीट्स। आगे मैंने सुना है दो तीन शॉप्स जो कि काफी पुरानी है, और तो निकलते हैं आगे फिर, सो लेट्स गो। ये सेमेट्री इस्टेब्लिश की गई थी 1828 में, पर कहा जाता है कि 1820s में जो ग्रेव्स हैं वो स्पॉट की गई थी। और ये भी कहते हैं कि यहाँ पे जो ओल्डेस्ट ग्रेव्स हैं वो हैं उन लोगों की, दोज हु डाइड इन मलेरिया आउटब्रेक इन 1848। वाली साइड जा रहे थे तो हमें एक चर्च मिला है जिसका नाम है केलॉग्स चर्च, केलॉग्स मेमोरियल चर्च। और खास बात ये है कि यहाँ पे जो है ये स्कूल है, यहाँ पे जो फॉरनर्स को जो हिंदी सिखाई जाती है वो बहुत पहले शुरू हुआ था, पर आज भी जो है लैंग्वेज सिखाई जाती है। 1905 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, केलॉग्स मेमोरियल स्कूल। दिखने में तो काफ़ी एंटीक सा लग रहा है, सुंदर सा। अंदर तो हमें जाने नहीं देंगे क्योंकि क्लास चल रही है यहाँ पे, सो चलते हैं फिर आगे सिस्टर्स बाजार वाली साइड। पिक्चर्स हमने क्लिक किए हैं ढेर सारी, और क्लास नहीं चल रही होती तो शायद थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बट अफसोस क्लास है, सो लेट्स गो आगे चलते हैं। जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, तो मेरे बैक साइड बिल्कुल जो है लैंड और बेकर हाउस है। तो जो भी बोल रहे थे, जहाँ जो हमें रास्ते में मिले, उन्होंने कहा यहाँ ज़रूर जाना, बहुत फेमस है, और यहाँ की जो पेस्ट्रीज और जो भी बेकरी का है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो देखते हैं, चलते हैं कुछ। यहाँ एंटर करते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस आ गए हैं 19th century में। बिल्कुल, ये रेस्टोरेंट बिल्कुल एकदम रिजेंबल करता है 19th century के रेस्टोरेंट को, और यहाँ के अरोमा आपको दीवाना बना देंगे। अरोमा फ्रेशली बेक्ड केक और फ्रेशली बेक्ड ब्रेड की, कुकीज़ की और कॉफ़ी की। वुडन डेकोर, विंटेज वॉल क्लॉक्स और एंटीक पोर्ट्रेट्स आपको फील देगा ओल्ड हिल कैबिन की,
जो कि पहाड़ों में एक छोटी सी जगह बसा हुआ है। तो मैंने ऑर्डर किया है चीज एंड गार्लिक क्रोसांट और क्लासिक एप्पल टार्ट। तो मैं शुरुआत करूंगी एप्पल टार्ट से, जिसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन तो नहीं हूँ, पर ये साइड ट्राइड इट और मुझे ये काफ़ी ठीक लगा। और इस पे है कैरामलाइज्ड एप्पल्स का अच्छा फ्लेवर और अंदर से काफ़ी स्वीट है, सॉफ्ट है और ब्रिटल है। आप उसको थोड़ा करेंगे तो वो हल्के से टूट जाएगा। इट वाज गुड। और क्रोइसेंट की अगर बात करें तो ये मेरा फेवरेट है, काफ़ी चीज़ी और ऊपर से इसकी जो लेयर थी क्रंची थी, अंदर से एकदम सॉफ्ट और फुल ऑफ चीज़ था। कंपैरेटिवली मुझे क्रोइसेंट जो है वो ज़्यादा पसंद आया। ये बेकरी की जो रेसिपीज़ है ये है सेंचुरी ओल्ड ऑथेंटिक रेसिपीज़ फ्रॉम कॉलोनियल एरा, मतलब कि ये वैसे ही बनती है जैसे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनी जाती थी, उसी तरीके से इनको आज भी बेक किया जाता है। और इनमें से जो ओल्डेस्ट जो रेसिपीज़ हैं वो ली गई हैं लैंडोर के कुक बुक से, जो भरी है डिफरेंट फ्लेवर से। प्रोविजन स्टोर काफ़ी ज़्यादा पुराना स्टोर है, जो कि ये हैंडमेड जो है पीनट बटर और जैम्स बनाते हैं। और एक चीज़ जो बहुत कम लोगों को पता है वो है कि जो मसूरी है वो पीनट बटर, मतलब जो शुरू हुआ था बनना वो यहीं से हुआ था। और जो प्रकाश थे ये जो थे ये पहले थे, बोल सकते हैं कि जिन्होंने शुरू किया पीनट बटर का जो काम था खुद बनाना। सो चलते हैं अंदर। Up was established by my grandfather-in-law, Mr. Sri Shobharam. Then it was my father-in-law who took the shop further to newer heights by learning and manufacturing jams and peanut butter. And he was the first one who started, and this was pre-independence time. Now the store is almost 100 years old. So jo JL Nehru ji the, Pandit Jawaharlal Nehru ji, he used to come and shop over here, and our jams also were picked up by various people and sent over to the Gandhi family. So Mrs. Sonia Gandhi would personally come here to pick up jams. My husband, he's the major person now behind, after my father-in-law left. Yeah, okay. Actually, I read that Britishers came here, they used that machines and all to make peanut butter. And when they left Mussoorie, they chhod gaye the yahan pe. So you used... Not really so, but my father-in-law did learn the grinding techniques from them, and later then they were, he bought machines, and also my husband, he actually imported machines from US to further take it to a newer level. So this place is historic. It is 100 years old, yes. तो प्रकाश जो है वो है इंडिया के फर्स्ट जिन्होंने पीनट बटर बनाना शुरू किया था। काफ़ी हिस्टोरिक बात है ये, क्योंकि ये प्री इंडिपेंडेंस के टाइम की बात है, और यहाँ की जो बहुत, यहाँ तक कि जो बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं वो भी, उन्होंने भी इस प्लेस को विज़िट किया था। और जो आसपास के जहाँ हम कैफ़ेज़ में विज़िट किया था, जैसे कि लाल टिब्बा और लैंडोर बेक हाउस, वो भी इन्हीं के ब्रांड का, प्रकाश का पीनट बटर यूज़ करते हैं। सो गाइस, ये था हमारा आज का जो वीडियो है। सो अब हम निकलने लगे हैं वापस, क्योंकि जो लैंडोर है, लैंडोर हमने कोशिश की कि पूरा एक्सप्लोर किया हमने, छोटी मोटी जैसे प्रकाश जैसे आपने वो शॉप देखी, सिस्टर्स बाज़ार ये बिल्कुल यहीं पे है, बेकर हाउस, और जो भी ऊपर जो भी आपने देखा
सो अब हम निकलने लगे हैं वापस, क्योंकि और सही बोलूँ लैंडोर इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस. और मसूरी आ रहे हैं तो लैंडोर ज़रूर आएँ. इट्स वेरी ब्यूटिफुल, इट्स वेरी पीसफुल. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज़ में, और ढेर सारी और फूड और ट्रैवल की वीडियोस. सो बाय, टेक केयर, सी यू. अपना ध्यान रखिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें. सो बाय, टेक केयर, टाटा.